ऐसा मारता, ए घोड़ा, ए मेरा घोड़ा, चल जल्दी चल, ए घोड़ा चल। खेलते हैं ना, खेल करके खेलते खेलते कृष्ण हार गया, सखा को कंधे में ले लिया, सखा ने कंधे में चढ़ गया, चढ़ करके ऐसे पाम से लात मार रहे हैं छाती में, घोड़ा ए घोड़ा चल जल्दी चल। हरि नाम जो कितने महत्वपूर्ण है, हरि नाम ही एकमात्र आश्रय है, साध्य है, साधन है। ये हरिदास ठाकुर के द्वारा ही महाप्रभु ने एक शिक्षा दर्शाए हैं जगत जीव को, जी इस तरह से नाम करना चाहिए। जे रूपे लोइले नाम प्रेम उपजाय, तहार उपाय सुन स्वरूप नाम राय। जिस तरह से नाम लेने से प्रेम प्राप्ति होती है, उसको उपाय सुनो, ए राय रामानंद सुनो। वृक्ष जन काटिले किछु ना बलाय, सुखाय जा मईले कारो पानी ना मांगाय, जेई जे मांगाय तारे दैय निज धन, घर्म बृष्टि सहे आनिर करय रक्षण। एई मत हइया जेब कृष्ण नाम लय, कृष्णेर चरणे तार प्रेम उपजाय। ऐसे थोड़ी है, नाम करने से ही होगा। हरिदास ठाकुर के द्वारा ये शिक्षा देने के लिए, ये हरिदास कौन है, ये हरिदास कौन है, साक्षात ब्रह्मा है। इनको ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं, जवन हरिदास भी कहते हैं, बड़ी हरिदास भी कहते हैं। ब्रह्मा ने जब दापर युग में गोवत्स हरण करके गुफा में रखे हैं परीक्षा करने के लिए, क्या ये कृष्ण जो है, ये बालक जो कृष्ण है, जो झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, ऐसे क्या भगवत पूर्ण ब्रह्म सनातन, क्या भगवान ऐसे करते हैं, झूठा खाते हैं भगवान, मुंह में मुंह दे करके सखाओं के साथ, सखा खा रहे हैं, हमको दे हमको दे, सखा बट मुंह में भर दिया, मुंह में भर दिया, लीला है। ऐ दे तू क्या खा रहा है, दे दे तू हमको, नहीं देगा नहीं देगा, सखा ने मुंह में भर दिया, मुंह पकड़ करके ऐसे मुंह खींच करके अपने मुंह में भर दिया। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण भक्त वंश कल्पतरु। भक्त किस तरह से प्रेम करते हैं, भक्त को प्रेम में अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं, भगवान जो मैं भगवान हूं, ये वृंदावन के माधुर्य लीला, जो देवताओं के अगम्य है, मुनिंद्र विंद्र आदि के अगम्य है, ये कृपासाध्य है, ये साधन साध्य नहीं, अनुभव विद्य है। ब्रह्म का भ्रम हो गया, ब्रह्मा देखते हैं भाई मैं सृष्टि करता हूं, ये कैसे, ये सही क्या, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन इस तरह से प्राकृत बालक बत कुश्ती करते हैं, कुश्ती में हार जाते हैं, सखा को कांधे लेकर के, सखा कांधे में चढ़ करके पाम से ऐसा मारता है, ए घोड़ा, ए मेरा घोड़ा, चल जल्दी चल, ए घोड़ा चल। खेलते हैं ना, खेल करके खेलते खेलते कृष्ण हार गया, सखा को कंधे में ले लिया, सखा ने कंधे में चढ़ गया, चढ़ करके ऐसे पाम से लात मार रहे हैं छाती में, घोड़ा ए घोड़ा चल जल्दी चल। तो ये सब लीला देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए हैं, सोचे हैं मैं देखूं तो सही क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है कि नहीं, देखूं तो सही। ब्रह्मा ने सन्मोहिनी शक्ति के द्वारा सब गोप बालक गोवत्स आदि को जिस प्रलय काल में जिस तरह से जीव अपने अनंत भगवान के साथ निश्चल होकर रह जाते हैं, ऐसा ही उनको रखे हैं गुफा में। भगवान देखते हैं एक भी गोवत्स है नहीं, हमारे सखा है नहीं, घबरा गए भगवान। नहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मुरोहयंग नभि जानाति लोकमम अजमव्ययम। जोगमाया समावृत भगवान, जोगमाया के द्वारा समावृत रह करके मुग्धता स्वीकार करके, भगवान प्राकृतवत मुग्धता स्वीकार करके ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। फिर जोगमाया, उनको तो लीला करनी है ना, जोगमाया हट गए तो भगवान सर्वज्ञता शक्ति, भगवान देख रहे ओ रे ये तो ब्रह्म का कारतूत है,
जान गए जो ब्रह्मा ने हमारे गोवर्ष को सफरण करके इस तरह से छुपा करके रखा है गुफा में। तो भगवान ने अपने स्वरूप शक्ति से ऐसे ही गोवर्ष आदि सब सखा आदि रचना करके ऐसा ही पूर्ववत जैसे ऐसा ही लीला करना शुरू किए हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, देखते हैं भाई वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही सखाओं के साथ जिस तरह से खेलते हैं ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे सब गोवर्ष ऐसे ही है। ब्रह्मा बोला अरे हम तो ये तो छुपा के रखे हैं, हम तो अपहरण करके ले गए हैं, तो ये सत्य है ना वो सत्य है, जाके एक बार गुफा में जाते हैं देखते नहीं है तो साहित है, यहाँ आके देखते हैं तो वो लीला चल रही है, अरे ये क्या है। ब्रह्मा घबरा गए एकदम, अरे फिर ब्रह्मा ने स्तप किए हैं भगवत चिंतन करके ये क्या है, तो देखते सब में भगवान को देख रहे हैं, सब भगवान का ही स्वरूप है सब, तो जान गए हमने बहुत भूल किया, भगवान को हमने परीक्षा करने के लिए गया, बहुत अन्याय हो गया। तो ब्रह्मस्तप वहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण के लिए स्तुति की है, स्तुति की है, जानन्तु जानन्तु अवजानन्तु भूल गए सर, जानन्तु अवजानन्तु किम भोक्ता नामे प्रभु, प्रभु जो कहते हैं मैं तुमको जानता हूँ उसको जानने दीजिए, लेकिन मैं ब्रह्मा कहता हूँ आपके ये लीला का मैं कुछ नहीं जान पाया, ऐसे श्लोक कैसे अर्थ है, ऐसे करके स्तप किया है अपराध होने का कारण। वहाँ भगवान को तो लीला करनी है, कलयुग में लीला करनी है, तो ब्रह्मा उस अपराध के कारण जवन कुल में जन्म लिए हैं, ये हरिदास ठाकुर ये कहते हैं ब्रह्म हरिदास, ओ हरिदास ठाकुर कोई साधारण जीव थोड़ी है, लेकिन नरो लीलावत कोई बल्लम, भगवान जब अपने पार्षदों के साथ लीला प्रकटन करते हैं सब ऐसे ही लीला करते हैं जैसे प्राकृत मनुष्य ऐसे ही, कोई व्यतिक्रम नहीं ऐसे लीला करते हैं, लेकिन भेद आइए हम तो महामाया के द्वारा मोहित होकर के शरीरधारी बन करके संसार में घूम रहे हैं, स्वरूप विस्मृति ही कारण है, लेकिन वहाँ महामाया के द्वारा आवृत नहीं है, वह जुग माया के द्वारा, ये जितना लीला करते हैं भगवान बहुमोह लीला करते हैं भगवान और भगवान के पार्षद, ये सब जुग माया के द्वारा, जुग माया के द्वारा लीला प्रकटन करते हैं, ये महामाया के द्वारा नहीं।